तेरे बलवान जगत में। और सबकी बुद्धि हर ली, मंत्री के कहने से भूख ने दूजी शादी कर ली। मंत्री के कहने से भूख ने दूजी शादी कर ली। और हर बलवान जगत में सबकी बुद्धि हर ली। मंत्री के कहने से भूख ने दूजी शादी कर ली। मंत्री के कहने से भूख ने दूजी शादी कर ली। आश्रम मर्द की गैल्या, गृहस्थी आश्रम मर्द की गैल्या, एक नार चाहिए ऐसे जो नई प्रेरणा दे स्त्री का, इसा प्यार चाहिए ऐसे हो। तन मन की कहन में सच्चा एक यार चाहिए ऐसे, छत्ती पुरुष संग सती स्त्री ताबेदार चाहिए सर लोगों, ताबेदार चाहिए से। रोज मंत्री के न्यू कहने से, रोज मंत्री के न्यू कहने से उस भूख की बुद्धि फिर ली। मंत्री के कहने से भूख ने दूजी शादी कर ली। मंत्री के कहने से भूख ने दूजी शादी कर ली। थी महारानी बात भेंट की, होड़ हार में बुद्धि बिगड़ा राजा रंक सेठ की। पाप का रास्ता खोल दिया लगी ताली धर्म गेट की। दिया गोद का, दिया गोद का केर भूप ने करके आस पेट की। रे पंचो करके आस पेट की। हरे भरे गुलशन की भूप में, हरे भरे गुलशन की भूप में न्यू बर्बादी कर ली। मंत्री के कहने से भूप ने दूजी शादी कर ली। मंत्री के कहने से भूप ने दूजी शादी कर ली। और होड़ हार में बुद्धि बिगड़ा राजा रंक सेठ की। पाप का रास्ता खोल दिया लगी ताली धर्म गेट की। और दिया गोद का गेर भूप ने करके आस पेट की। हरे भरे गुलशन की भूप ने न्यू बर्बादी कर ली। और मंत्री के कहने से भूप ने दूजी शादी कर ली। साथियों, दूसरा विवाह करने का पक्का मन बना लिया राजा ने कि दूसरी शादी करूंगा। नहीं माना, होनी को टाल नहीं पाया महाराज। और दूसरी रानी ला करके घर में बैठा ली। साथियों, दूसरी रानी की आत्माओं का और शरीर का वर्णन किया है दादाजी तीसरी कली में। पंडित जी ने क्या लिखा, क्या दर्शाया बोला? अरे नहीं,
सा मुखड़ा नहीं बहु का चांद सा मुखड़ा सूरत भोली भाली जितनी तन की उजली थी वा उतनी मन की काली रहे साथियों बता दिया कि नई बहू का चांद सा मुखड़ा मुखड़ा तो बहुत साफ था चांद सा था नई बहू का चांद सा मुखड़ा सूरत भोली भाली लेकिन जितनी तन की उजली थी वो उतनी मन की काली साथियों रंग की काली हो कोई बात नहीं लेकिन आत्माओं की काली नहीं होनी चाहिए आत्माओं की जो काली होती है उसका परमात्मा पर भी कोई तोड़ नहीं होता साथियों क्योंकि ये नार नहीं नौरंगी है नौरंगी नहीं सौरंगी है ढकले तो कुल को ढकले वरना नहीं साथियों तीसरे नंबर पे क्या हवाला दिया पंडित जी ने क्या बताया कली बता भाई नई बहू का चांद सा मुखड़ा सूरत भोली भाली जितनी तन की उजड़ी थी वो उतनी मन की काली हो 60 बरस का बुढ़ा राजा रानी उम्र की बाली बिन असवार डटे ना घोड़ी यू धरती बिन हारी रे लोगो यू धरती बिन हारी पिछली बात भूल गया राजा पिछली बात भूल गया राजा और देवनाश की धरली मंत्री के कैसे भूप ने तुझी शादी कर ली मंत्री के कहने से भूप ने तुझी शादी कर ली साथियों मेल मिला सकती है मेल मिला सकती है लेकिन कवि ने साफ साफ अक्षरों में लिखा कि मेल कौन मिला सकती है कह दिया करते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचता है कवि कवि इस समाज की जान होता है इस समाज को दिशा देने वाला ही कवि होता है साथियों अंतिम कली में पंडित रामरतन जी ने कैसा हवाला दिया वाला लाभ जवानी हो से पैज प्रण के नरबंदों की सच्ची वाणी हो से बुढ़े का ब्याह इस दुनिया में नरक निशानी हो से जो बुढ़े संग मेल मिला ले वो कोई जनानी हो से कोई कोई जनानी हो से नाते कितने खता खारों ने नाते कितने खता खारों ने हर भूख मन्याती कर ले मंत्री के कहने से भूख ने तुझी शादी कर ले मंत्री के कहने से भूख ने तुझी शादी कर ले होनहार बलवान जगत में सबकी बुद्धि हर ली मंत्री के कहने से भूख ने तुझी शादी कर ली मंत्री के कहने से भूख ने तुझी शादी कर ली।